ended on a different note. थोड़ा हटके होगा बिकॉज आई थिंक ईद का मौका है, इससे बेहतर मौका मुझे नहीं मिल सकता ये बात करने का. तो ईद का मतलब जैसे आप सबको पता है एक सैक्रिफाइस, कुर्बानी देना, राइट, और शेयर करना चीज़ें. बट ये बात है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर तक नहीं रिस्ते, हम इट्स हाई टाइम हम सबको जो है ना कुर्बानी देनी है. और कुर्बानी किस चीज़ की, अपने वक्त की. थोड़ा सा टाइम निकालें, कोई ऐसा काम करें जिससे यू फील यू नो यू कैन मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी. देखिए छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है, स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग्स. अगर हमसे छोटी चीज़ें नहीं होंगी तो हम एक बड़ी चीज़ के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे. सो डू दैट, अपने बड़ों का ख्याल रखें एंड बी पेशेंट. Try to, you know, get out and see things for yourself. आप दूसरों से मत छोड़ें, बातें मत करें और आगे निकलें, आगे आगे बढ़ें और कोई प्रोडक्टिव चीज़ करें. इंशाल्लाह इसी नोट के साथ मैं आपसे दूंगी इजाज़त. होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ईद को बहुत इन्जॉय करते रहें. See you next time. अल्लाह हाफ़िज़.